हाय फ्रेंड्स, मनी मेकर 2307 में आपका भरे दिल से स्वागत है। जैसे कि देख पा रहे हो, अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज़ आया हुआ है और सबसे पहले आपके साथ शेयर कर रहा है मनी मेकर 2307। अगर वीडियो एनालिसिस अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, आप ही का चैनल है। दोस्तों, जैसे कि देख सकते हो, ब्रेकिंग न्यूज़ निकल गया है। 1-2 करोड़ नहीं, 5 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 3600 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है। स्मॉल कैप पावर जनरेशन कंपनी है, रिसीव किया है न्यू प्रोजेक्ट। और कहाँ से रिसीव किया है ये 3600 करोड़ का? गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड से आपका न्यू प्रोजेक्ट मिला है। पावर सेक्टर का कंपनी है, गुजरात बेस पावर कंपनी है, गुजरात इंडस्ट्रियल पावर कंपनी का नाम है। एक्सचेंज को ये आपका रिपोर्ट दिया है लेटर बना के, और देख सकते हो कि कंपनी 600 मेगावाट कैपेसिटी सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्रोजेक्ट और खाबडा में मिला है ये आपका। और ये आपका देख सकते हो, परसुएंट सेड लेटर इंटेंट गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी इज रिक्वायर्ड टू साइन PPA विथ GUVNL और BID डॉक्यूमेंट सब्जेक्ट टू एडॉप्शन द तारीफ। लेटेस्ट न्यूज़ है, बहुत बढ़िया आपका रेवेन्यू जनरेशन होगा। बहुत गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी का शेयर जो है अच्छा खासा पोटेंशियल रखता है आने वाले टाइम पे। इस प्रोजेक्ट को मिलते ही आपको क्या लगता है, आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लेना। मेरे ख्याल से तो बहुत बढ़िया प्रोस्पेक्ट है, बहुत ही अच्छा। अगर 1 लाख इन्वेस्ट करोगे एज ए एग्जाम्पल, तो बहुत बढ़िया आपका रिटर्न आ सकता है आने वाले टाइम पे। आप अपना कैपेसिटी के हिसाब से इन्वेस्ट करना, क्योंकि इतना करोड़ों का प्रोजेक्ट है तो स्टॉक में आपका स्टॉक प्राइस रुका तो नहीं रहेगा, आराम से आपको 30-40% तक का जा सकता है। एस्टिमेटेड फाइनेंशियल इम्प्लीमेंटेशन सोलर पावर प्रोजेक्ट है 3600 करोड़ का। गुजरात इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड एंगेज है जनरेशन पावर फ्रॉम गैस लिग्नाइट वाइंड और सोलर एसेट का। देखो, एक काम के ऊपर ये गुजरात इंडस्ट्रीज पावर रुका नहीं है। अपना प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट सेगमेंट देखो, बिजनेस का मॉडल देखो। एंगेज है जनरेशन ऑफ पावर, मतलब पावर जनरेशन करता है ये, इसका कोर आपका बिजनेस है कि पावर जनरेशन करना। अब कौन सा एनर्जी को काम पे लगाता है इस पावर जनरेशन के लिए? गैस लिग्नाइट विंड और सोलर। तो देख सकते हो कि चारों के चारों रिन्यूएबल एनर्जी से आपका पावर को जनरेशन करता है। फ्यूचर इसका क्या हो सकता है? सबसे कम में, सबसे कम आपका एनवायरनमेंट को आपको पोल्यूशन करेगा, एनवायरनमेंट पोल्यूशन कम करते हुए इसको लगातार प्रोजेक्ट मिलता रहेगा। फिल्ट्रेशन डीकार्बोनाइजेशन का आपको गवर्नमेंट के तरफ से भी इसके बाद आपको हो सकता है कि फ्यूचर में और भी ऑर्डर मिल जाए, क्योंकि आपका जहाँ पे एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं कर रहा है ऐसा एनर्जी से पावर बना रहा है, तो ऐसे काम को बहुत ज़्यादा आपको फ्यूचर में आपका बहुत ज़्यादा फ्यूचर अगर देखा जाए तो बहुत बहुत बढ़िया आपका फ्यूचर है। तो ऐसे स्टॉक में आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। मेरे ख्याल से आप अपना पोर्टफोलियो का 5% ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखो जो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर कामकाज करता है। 3 स्टेट में आपका अच्छा खासा स्टॉक में आपको कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है, गुजरात अल्कलाइज केमिकल लिमिटेड, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर केमिकल लिमिटेड। तो ये 3 अंडरटेकिंग आपका कंपनी है, और कंपनी ओपन हुआ है 94 में, हाई गया हुआ था 94.40 और प्रीवियसली क्लोज हुआ था 93 में। तो स्टॉक में ये अभी का लेटेस्ट न्यूज़ है। तो देखो, मंडे को मेरे ख्याल से अपर सर्किट में जाना चाहिए अभी जो भी है, लेकिन आने वाले टाइम पे आने वाले क्वार्टर रिजल्ट तक ये स्टॉक का प्राइस 30-40% बढ़ सकता है। तो ये एक एनालाइजिंग है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा जाए तो 1417.22 करोड़ का है, अच्छा खासा मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और जितना मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं है उससे बड़ा इसको ऑर्डर मिला हुआ है, तो इसीलिए बोला जा रहा है कि देख सकते हो कि स्मॉल कैप पावर जनरेशन कंपनी है और 3600 करोड़ का इसको प्रोजेक्ट मिल चुका है। बहुत बढ़िया आपका न्यूज़ निकल गया है, लेटेस्ट न्यूज़ है, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये न्यूज़ 4 जून को ही निकला हुआ है, और साथ ही साथ आप देख सकते हो कि जस्ट 5 मिनट पहले ये न्यूज़ आया और आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो एनालिसिस अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, आप ही का चैनल है मनी मेकर 2।